दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरु जी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद 1000 सब्सक्राइबर होने के लिए। बस यही हमारे प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप ऐसे ही प्यार बांटते रहिए और मैं जो भी एफर्ट रहेगा वो आपको मैं प्रदान करता रहूँगा। तो मैं अभी बेसिकली रेलवे के एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, ताकि क्योंकि रेलवे एग्जामिनेशन में बहुत सारे वैकेंसी हैं तो आप इसको एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। तो उसके बीच में एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप कोई भी एग्जामिनेशन का या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी न्यूज आ रही है कि आप गवर्नमेंट ने जाके 5 साल की सर्विस, मिलिट्री सर्विस को अनिवार्य करने जा रही है। मीन्स आप गवर्नमेंट का तैयारी कर रहे हैं तो आपको अभी जॉब कर चाहिए तो आपको 5 साल के मिलिट्री का भी सर्विस करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये कंपलसरी करने जा रही है गवर्नमेंट। तो ये बेसिकली न्यूज़ हिंदुस्तान की पेपर में, कोई फेक न्यूज नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि न्यूज़ क्या है। उससे पहले हमारे चैनल पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि न्यूज़ है क्या। तो न्यूज़ का जो सबसे पहले हेडलाइन है कि संसदीय समिति की सिफारिश, सरकारी नौकरी के लिए 5 साल की मिलिट्री सर्विस हो अनिवार्य। केंद्र या राज्य सरकार में सरकारी नौकरी करने की चाहत रखने वालों को अब 5 साल भारतीय सुरक्षा बलों में काम करना पड़ सकता है। ऐसी सिफारिश संसद की रक्षा मामलों के स्थायी समिति ने रक्षा मंत्रालय से की है। समिति का कहना है कि ऐसा करने के बाद भारतीय सेना में अधिकारियों की कमी समस्या दूर हो सकती है। मीन्स कोई भी बहुत से, क्योंकि जिसकी जॉब होते हैं थोड़ा सी मिलिट्री जॉब, तो वहाँ पे बड़े पोस्ट पे कोई भी अधिकारी ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक पास किया करने की सोच रहा है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या ज्वाइनिंग करेंगे तो उसको 5 ईयर्स तक मिलिट्री में सर्विस देना मैंडेटरी है। वो आगे देखते हैं। केवल भारतीय सेना में 7000 अधिकारी और 20000 जवान पदों की कमी है। वहीं भारतीय वायुसेना में 150 अधिकारी और 15000 जवानों की कमी है। भारतीय नौसेना में भी अधिकारियों के 150 और जवानों के 15 पद खाली है। रिपोर्ट के मुताबिक समिति ने यह सिफारिश क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजी है, हालांकि अभी तक उसे इस सिफारिश पर कोई जवाब नहीं मिला है। कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग सरकारी नौकरी के लिए नीतियां बना रही है। यह विभाग प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगी। तो ये बेसिकली दोस्त है, अभी तक दोस्तों ये न्यूज़ है, क्योंकि ये न्यूज़ अभी सिर्फ सिफारिश भेजा गया हुआ है। सिफारिश के बाद ही गवर्नमेंट इसको डिसाइड करेगी क्या मैंडेटरी करना है या नहीं करना है। तो ये वीडियो को, ये न्यूज़ में आपको प्रोवाइड करना चाहता था। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे पांडे गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय भारत, जय हिंद।